ये बेसिकली जो है ना वो समीर के जो व्यूवर्स आएंगे ना भाई, तो उसको हम एक अच्छा इंशाल्लाह डिस्काउंट ऑफर करेंगे। भाई नंबर चल रहा होंगे, आप लोग रापता कर सकते हैं, जो पैसे जवाब देते हैं उनकी टीम से। और स्टार पार्टी पे काफी लोग सवाल कर रहे थे भाई हमसे, वाज भाई कहता था, वाज भाई आया नहीं भाई उनकी। भाई हमारे फार्म पे एक लेजेंड बंदा आया है, आपसे मुलाकात कर लेते हैं। वो लेजेंड बंदा कौन है वो सामने खड़ा हुआ है? वो सब लेकर आया है भाई कुछ रैबिट्स ना, इससे बात हुई थी हमारी, फार्म के बारे में बताओ। तो मैं तो बहुत मजा आया माशाल्लाह, मैं तब से देख रहा हूँ जब छत पे इन लोगों ने बकरों की फार्म शुरू की थी, जहाँ से वैसे शौक शुरू हुआ। जिनके घर पे हम यूँ घुस घुस के देखते थे ना ये जानवर आया नहीं आया एक महीना पहले, तो भाई वो इनका घर था। हकीकत बात है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। भाई दोस्तों आज जैसे कि आप लोगों को पता है हमने गेट्स ओपन किए अपने फार्म के, और आज अभी फार्म ही जा रहे हैं। मैंने कहा यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं, अब देखते हैं कितने लोग आते हैं। और काफ़ी लोगों का तो मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं और अभी से कॉल्स कर रहे हैं कि भाई फार्म की लोकेशन कहाँ पर है। हालांकि फार्म की लोकेशन गूगल पर दी हुई है हमारे करीम सेटल की, तो आप लोग वहाँ से आ सकते हैं। बहरहाल अभी चलते हैं फार्म, पहले मान को लेना है, मान को लेते हैं और फिर फार्म चलते हैं, फार्म की सूरत हाल देखते हैं, वहाँ पे सेटिंग वगैरह करवानी है, तो इंशाल्लाह वहीं मुलाकात होती है आप लोगों से। अच्छा तो बच्चे भी साथ है भाई मेरे, ईद मुबारक कर दीजिए। अभी सो के इनको उठाया है जल्दी, और अभी एक बजे का टाइम। ईद मुबारक कर दो, बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक सबको। आराम बाहर रह गया भाई, आराम कहाँ हो? ये आ गए भाई हमारे छोटे से दादे, गेट से ही बंद करो। आराम, ईद मुबारक कर दो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो भाई इनको छोड़ना है नानी के घर और वहां से उठाना है मान को, और फिर इंशाल्लाह फार्म पे ही मुलाकात होती है। वैसे मैंने कहा हुआ था हम लोगों ने टाइमिंग का 4 से लेके 8 बजे का, लेकिन अभी से ही लोगों का इतना यानी कि मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं कि हम लोग पहुंच रहे हैं, हम लोग रास्ते पे। अभी भी एक बंदे का कॉल आई है कि हम लोग हाईवे पर हैं और आप अपनी फार्म की लोकेशन एग्जैक्ट बता दें। मैंने उनको खैर समझाया है, और अभी सिर्फ और सिर्फ 2 बजे हैं और अभी से आना शुरू हो गए लोग। खैर देखते हैं इंशाल्लाह कितने लोग आते हैं, और इंशाल्लाह पता नहीं बनाने की तरतीब बने वीडियो या नहीं। तो आइए चलते मान को लेते हैं, फिर इंशाल्लाह फार्म पे मुलाकात होती है। अच्छा जी, तो फार्म के रास्ते पे हम लोग मौजूद हैं और काफ़ी लोगों की कॉल आना शुरू हो गई है, काफ़ी लेट हो गए हम लोग। ऐसे ही कुछ चीज़ें हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ से कलेक्ट करने में ही टाइम लग गया। बहरहाल तो भाई मान इंतज़ार कर रहे हैं लोग भाई बहुत। क्या अभी से अभी 2 बजे हम लोग निकले हैं और 3 बजे रहे, बहरहाल अभी घूमते घूमते हमें। लेकिन टाइम हमने तो 4 बजे का रखा। हाँ ये है कि हम लोगों ने 4 बजे का टाइम लगा, 4 से 8 के दरमियान का टाइम लगा। इतनी है गर्मी तो भाई ठीक ठाक गर्मी है, अभी थोड़ा सा मौसम देख रहा हूँ थोड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन हम 4 बजे से पहले पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। और उधर देखते हैं काफी लोग आए हुए हैं और कितने लोग आए हुए ये चल के देखते हैं, फार्म पे ही मुलाकात होती है आप लोगों से इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो भाई काफ़ी लोग अभी आना शुरू हो गया है, अभी टाइम 4 बजे नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आना शुरू हो गया। क्लिप मैं इंशाल्लाह जोड़ दूंगा, लेकिन मैं खुद वीडियो शायद ना कर पाऊँ, तो देखते हैं इंशाल्लाह लारिब को या किसी और को कैमरा हाथ में पकड़ाते हैं फिर इंशाल्लाह। ईद मुबारक बोलो भाई सब। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। खाली है देखते हैं, वो भी बच्चे पीछे भी बच्चे। समीत भाई वीडियो बात, ईद ही बांट रहे भाई वीडियो बांट रहे, मतलब हाँ तो भाई जैनब को लाए नहीं ना इधर। Yeah.
उस करा आपने चले भाई बोले चलो अब बोल दो। हाँ मैं कह रहा हूँ भाई ईदी अब जितने बच्चे आते रहेंगे बच्चों की ईदी है भाई, बच्चों की ही होती है तो उसी के आज से हमने पूरे KCF की तरफ से हमने जो है ना ईदी बांट रहे हैं और भी देखते हैं और बच्चे आते हैं तो इंशाल्लाह हम देखते हैं। क्या चल रहा है समित भाई, ईदी दे दी आपने सब बच्चों को? ईदी बच्चों को दे दी है यार, अभी बच्चे आ रहे हैं, अभी और मजीद आए हैं बच्चे उसको भी देते हैं, बाकी अभी अच्छा दिन जा रहा है वैसे तो देखा जाए। मौसम भी सही हो गया है? हाँ मौसम भी अच्छा हो गया जब से आए हैं ना, जब से मौसम भी थोड़ा सा सेटल हो गया है, बादल आ गए, लेकिन ये है कि अच्छा दिन जा रहा है और लोग काफ़ी आए हैं, पूछा भी है, काफ़ी शौकीन लोग भी आया है जो मिलना चाहते थे वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं अभी आगे कहाँ तक, अभी भी किस आए हुए कॉल्स आ रही हैं कि भाई हम लोग रस्ते में, तो आ रहे हैं लोग इंशाल्लाह उनकी मुलाकात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई काफ़ी लोग आ रहे हैं, अभी भी मजीद लोग आ रहे हैं, अभी वहाज भाई की एंट्री हो गई है और वहाज भाई से मुलाकात कर दो, अपनी वीडियो कंप्लीट कर आ गए वहाज भाई भी। कैसे हैं भाई? सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देंगे वहाज भाई को, बहुत बढ़िया भाई एंट्री हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टार पार्टी पे काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे भाई हमसे वहाज भाई कैसा है, वहाज भाई आया नहीं भाई उनकी बिल्कुल एक जेन्युइन एक्सक्यूज था, मैंने वानी को बता दिया था, मैंने कहा मुझे असल में अफसोस भी था क्योंकि उससे पहले ही वानी ने मुझे इनवाइट किया था, मैं नहीं आ सका था क्योंकि उस टाइम पे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, करना बड़ा मुश्किल था, 7 दिन में फारिग होता था, तो इस दफा ये हो गया तो मैंने कहा नहीं यार अब तुम बेफिक्र रहो इंशाल्लाह इसके बाद मुझे आना ही आना है इंशाल्लाह भाई। तो पूरा साल बाद चक्कर लग रहा है भाई वहाज भाई का इंशाल्लाह, इनसे पहले देख लें जानवर फिर इनसे रिव्यू भी लेंगे, अभी तो आए हैं इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे वहाज भाई, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई अभी मजीद लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा डिलीवर कर लो, तो अभी थोड़ा सा लारिब को जब भी पकड़ाया हुआ थोड़े थोड़े शॉर्ट बनाता रहे, बहरहाल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों हमारे साथ खड़े हैं द एलीट फार्म्स के, जो आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने खरीद दी है वहाँ पर, तो उसकी पूरी टीम खड़ी है 3D मार्केटिंग, जवाद भाई खड़े हैं माशाल्लाह से हमारे साथ, अभी जो आप लोग छोटल देख रहे थे और पानी की बोतल देख रहे थे वो सारी स्पॉन्सरशिप इन्हीं की है और इनका शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने बाकी इनसे पूछ लेते भाई द एलीट कहाँ तक मामला पहुँच रहे हैं, मैंने सुना की सफाई वफाई भी हो गई है, तो जवाद भाई एज प्रॉमिस्ड हमने पहले भी प्रॉमिस किया था मालिक के साथ कि वो ज़मीन की मजीद सफाई करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मजीद सफाई कर दी है, उसके साथ अब जो हमने इसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर जाना था हमें एंड उसकी गेट की तरफ जाना था, गेट उसका बन के आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ख़त्म हो गया तो अब हम एक्टिव भी हैं, एक्शन में भी हैं और जो हमारी लेबर है उसको भी हम फोर्स कर सकते हैं, फोर्स करेंगे कि इस काम को रैपिडली रैपअप करें, कम्प्लीट करें, ताकि हम जो जितने भी अलॉटीज हैं वो अपनी कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकें, जिसके अंदर अभी जैसे आप लोग हैं इंशाल्लाह आप लोगों का काम शुरू होने वाला है और फिर इस तरह 3-4 क्लाइंट्स और हैं उनका काम शुरू होने वाला है, तो उनको जो मेन गेट हमने वाइट करके देना है वो काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, रोड की मार्किंग प्रॉपर हो चुकी है, अब उसके अंदर डिमार्केशन प्रॉपर हो चुकी है, उस पर नंबरिंग आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन जो मेन हमारा एजेंडा था वो हम अपनी कम्पटिशन की तरफ है, अब बाकी आप लोगों के ऊपर है और आपके व्यूअर्स के ऊपर है। काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई उसी जगह पे अब प्लॉट्स कितने हैं, यानी कि बाकी रह गए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन मोर देन 50% तो सोल्ड आउट है, लेकिन स्टिल वो ज़मीन इतनी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे नंबर ऑफ प्लॉट्स बहुत है हमारे पास, तो उसके अंदर स्टिल बहुत सारे लोग हैं जिनको हम अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये कि रमज़ान ऑफर ख़त्म हो चुकी है, अब हम रिवाइज रेट के ऊपर जो पुराना रेट जो अनाउंस किया था उसके ऊपर आ चुके हैं, तो कोई मसला नहीं है, वो भी अमाउंट कोई ऐसी बड़ी अमाउंट नहीं है मेरा ख्याल है, तो उसमें भी लोग खरीद सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ये बेसिकली जो है ना वो समीर के जो व्यूवर्स आएंगे ना भाई, तो उसको हम एक अच्छा इंशाल्लाह डिस्काउंट ऑफर करेंगे, नंबर चल रहा होंगे आप लोग रब्ता कर सकते हैं जोहेब भाई से, जवाब भाई से और इनकी टीम से, और बाकी अभी प्लानिंग्स बहुत हैं, ये तो जोहेब भाई ने जितना बता दिया जो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें मजीद और बहुत सारे हमारे प्लान्स हैं जिनको एक्सक्यूट अब रमजान की बात करते हैं इंशाल्लाह, ग्रीनरी नजर आएगी, लाइट्स प्रॉपर नजर आएंगी इंशाल्लाह, और बहुत सारे प्लान्स हैं, प्रॉपर जो सोसाइटी बनने जा रही है एलीट फार्म की जानिब से, ताकि पूरी यानी कि एक कैटल फार्म बनने जा रही है और उसमें सारी चीजें अवेलेबल होंगी, कमर्शियल एरिया भी आप लोग कर रहे हैं उसमें, तो दुकानें वगैरह
उधर ही आप लोगों को मौजूद मिलेंगे। और इतना बड़ा ब्रांड ले आ चुके हैं हम वहाँ पे ऑलरेडी यार, करीम कैटल फार्म के नाम से। आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत है, लोगों को देखने वालों की मोहब्बत है, सही बात है, ये प्यार है। तो भाई जिसने बुक करवानी है भाई जगह जल्द से जल्द बुक करवा ले, दी इलीट फार्म पे जगह मौजूद है। बाकी कुछ और डिटेल आप देना चाहें तो यार, डिटेल्स अब ये है कि बस अब जल्द अज जल्द करवा लें, क्योंकि ये जो रिवाइज रेट है ना, ये भी हमने सिर्फ एक महीने के लिए रखा है, और इसके फौरन बाद हमने जो है ना वो इंशाल्लाह और पैसे थोड़े से इसके इंक्रीज ही करने हैं, बिकॉज तकरीबन 50% इन्वेंट्री जो अभी तक हमने खोली थी, क्योंकि इसकी प्लानिंग तो हमारी 50-60 एकड़ की है ना, अभी तो सिर्फ 16 एकड़ की जमीन जो खोली थी उसमें से ही 50% ऑलमोस्ट सेल आउट हो चुका है। बट जमीन अभी पीछे, फिर होता क्या है कि जब आते हैं ना बाद में तो होते यार इतना पीछे दे रहे हैं आगे देते हैं, तो जब आगे भी अवेलेबल है तो अभी बोलते हैं अवेलेबल है भाई, अवेल कर लो सारी चीजें। हाँ, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी लोगों का, इन पूरी टीम का, थ्री डी मार्केटिंग के। तो भाई आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने चैनल पे लिया, और आपके व्यूअर्स को ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलो भाई थैंक यू, कंटिन्यू कर लो इंशाल्लाह। चलो भाई भाई वापस आ गए, तो सामा भाई हमारे साथ मौजूद है, और सामा भाई जो है ना वो रिव्यू देंगे। हाँ भाई कोई एक मैसेज आया था आपका नीचे, ईद मुबारक ना। हाँ ईद मुबारक है, हम असल में इनको क्लाइंट समझते नहीं है, अपने आप को क्लाइंट समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जो बात है वो हो गई। हाँ लाल भाई आज रौनक लगी है, हाँ भाई ऐसा लग रहा है, हाँ भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया, बेहतरीन चल रहा मामला। आगे अभी कुछ बच्चे भी आए हैं भाई, उनसे भी थोड़ा सा रिव्यू लेना है कि क्या कह रहे हैं। अब बच्चों में कर दिया, कुछ बच्चे आए ना उनसे रिव्यू ले रहा हूँ। देखो ये गलत बात हो रही है, देख लो ला रहे हैं यार, ये अपने हम कट कर देंगे, कट कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक ही बच्चे हैं यहाँ पे गुलाब जामुन, सच में ऐसा ही है, ऐसी चेंज हुई है वो बछड़ी। माशाल्लाह दबंग खोलो भाई, तो दबंग खोल लो आप, कोहिनूर वाले मजीद लोग आ रहे हैं। पिछले साल जो हमारे शुरू किया था, हम भी सीखते जा रहे हैं, जानवर में और बेहतरी की जा रही है। बहादुर तो हम खुद बोलने, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा बस बेसिक्स को लेके चल रहे होते हैं कि भाई यार ये इसकी जरूरत है, इसको ये कर दो, बहुत अच्छी कर लेंगे ये लोगों में चारों वैक्सीनेशन आती है। अच्छा जी, तो भाई अभी लोग आए हैं देखने, एक पार्टी आई हुई है, दोनों हमारे जो बिग जाइंट बछड़े जो है ना, जिनमें से हमारे दबंग है और लाल बादशाह है, उनकी जरा सा बातचीत चल रही है, आप उनको दुआ कीजिएगा, हो जाए मामला सेट हो जाए। तो अभी देख रहे हैं इंशाल्लाह, देखते हैं कहाँ तक बात रहती है, बाकी लोगों का दिखा दें, और ज़्यादा हजूम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे को संभालना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लोगों को सबको देखना। अरे मामा हाँ सब पियेंगे, मामा गुस्सा ठंडा करो, मामा गुस्सा ठंडा करो। अरे वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन कर। भाई ये मैंने कहा था आप लोग कुछ लड़के हैं जो यहाँ शौक करने आए, और वो देख के आप बताएंगे भाई अच्छा लगा, थोड़ा तेज बोले हमारा माइक। जी जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे कलेक्शन, बहुत अच्छे कलर है, और जो पता चल जैसे नस्ल होती है ना वो वीडियोस में तो बिल्कुल नहीं दिख रही होती, ना वजन दिख रहा होता है, और जिस नस्ल का होता है वो जिस जोड़ का होता है ना वो यहाँ की पता चल रहा होता है। जैसे कि अभी लाल बादशाह देखा वो नहीं लग रहा था ना कैप्टन लग रहा था, लेकिन यहाँ के वो अलग ही हैं, अलग ही बच्चे सारी बहुत अच्छा। छोड़ ये है कि भाई वीडियोस में बिल्कुल नहीं था, विजिट से पता चलता है कि कैसा है, और राजा बहुत अच्छा है, नया रंग की बात ही अलग है। तो भाई ये थे रिव्यूज इन लड़कों के, तो आप लोग भी विजिट कर सकते हैं, फार्म ओपन हो गया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपके। हाँ भाई की जो बाइक है ना वो पंचर हो गई थी,
लग रहा तुम आराम कर भाई, हमारे फार्म पे एक लेजेंड बंदा आया है, आपसे मुलाकात कर लेते हैं। वो लेजेंड बंदा कौन है, वो सामने खड़ा हुआ है, ये लेजेंड बंदे का भाई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? लेजेंड बंदा आ रहा है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बड़ी देर से आया, खैरियत तो है? मैं शुरू कर देता हूं, आपका शूट से फ्री हो के आपके पास आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अभी मुलाकात करते हैं जरा डिटेल में। बच्चा आया मुसब, मुसब ना मुसब लेकर आया है भाई, कुछ रैपिड्स ना, इससे बात हुई थी हमारी, काफी वो था भाई। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, तो भाई मान को बुलाना है, बहुत मसरूफ है समझ भाई। अच्छा तो भाई मसब लेकर आया, जरा खोल के दिखाओ भाई, मतलब क्या लेकर आया हूँ। क्या भाई नसर भाई, रैबिट आए हैं, आप देख लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस बड़े भी हैं उस तरह। अच्छा माशाल्लाह, तो भाई ये सारे फॉर्म माशाल्लाह काम कर रहे हैं, बाद में करते हैं। बेहतरीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मसब, ये हमारा करीम गुड फार्म के लिए गिफ्ट माशाल्लाह। बताएं मुसब, बताएं इसके बारे में। अब मेरे ख्याल से कुछ ही चीजें रह गई हैं। आपको अपने बच्चे दे रहे हैं। अच्छा, ये बताया था मैंने, तो फार्मिंग करिए मुसब, तो क्रेज है इसको। दादे बड़े मेहमान, जरा दिखाओ दादा, आगे ला के, आगे करो करो, जाओ करीब ला के दादा, ब्यूटीज वगैरह माशाल्लाह। ये बच्चे हैं मुसब, जरा डिटेल बताओ, जरा मुसब से डिटेल लेते हैं। ये वाली फीमेल है, ये वाली भी फीमेल है, ये वाला मेल है, ठीक है। ये तीन जो है ना, ये इसके बच्चे हैं। अच्छा, और ये तुम कह रहे हो अभी प्रेग्नेंट है अभी ना, देने वाली है, ये बच्चे देने वाली है, वन देगी। अच्छा माशाल्लाह, भाई रैबिट भी माशाल्लाह से आ गए हमारे फार्म पर, और बस कुछ ही जानवरों की कमी रह गई है। तो भाई ये मिनी जू बनने वाला है, मिनी जू एक तरीके से बनने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये बच्चे की मोहब्बत है, अगले साल तक ये पूरा भर जाएगा। अंकल भी आए हैं, इनके वालिद साहब भी आए हैं माशाल्लाह से, और इसके लिए कॉलोनी भी बनानी पड़ेगी, कॉलोनी भी बनानी पड़ेगी। ये नसर भाई और काम है भाई, हमारी टीम का काम है ये संभालना माशाल्लाह। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया मतलब, बैठो दादा, इजी भी ले लेना, तो मैं इजी दे देता हूँ भाई इसको हाथों हाथ ना। इनको कहाँ छोड़ू, इनको भाई ये पकड़ में नहीं आएंगे। अच्छा भाई देख लो, आप लोग संभालो भाई, अशरफ अशरफ कर रहा जरा। तो भाई ये केसीएफ की तरफ से मसब को जो है वो ईदी, चलो भाई यही मोहब्बत है माशाल्लाह से हमारे सब्सक्राइबर्स की, और यही इसी तरीके से हमारा फार्म और ऊपर जा रहा है, आप लोगों की मोहब्बत से। इन लोगों कुछ बताओ इनके फार्म के बारे में, बताओ। तो मैं तो बहुत पता है माशाल्लाह, मैं तब से देख रहा हूँ जब छत पे इन लोगों ने बकरों की फार्मिंग शुरू की थी। ये तो बहुत बड़ा है, जो गुलाबी जो था उनका ब्रीड है, तब से मैं आपको देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और जब आप लोगों का उससे पहले वाला जो गोट फार्म जो था, उसमें जो राजा जो आप लेकर आए थे छोटा था, उसमें भी मैंने आपको कमेंट किया था, राजे का नेम का, वो मैंने अपने बकरे का नाम रखा था। ये मोहब्बत है, मैंने आप लोगों को सेंड किया था वाला। तो भाई ये पुराना सब्सक्राइबर है, तकरीबन 4 से 5 साल पुराना। और अभी तुम्हारी एज क्या है वैसे? अभी 15 का होने वाला, 15 का, यानी कि अगर 4 साल पीछे चले जाए तो ये मेरे ख्याल से 12-13 साल का उम्र से देख रहा हूँ माशाल्लाह। पप्पा जब ऑफिस आते थे, मैं इनका फोन लेता था आप लोगों की वीडियो। बहुत मोहब्बत है भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक सारे काम आसानी के साथ करा दे। आमीन, माशाल्लाह जबरदस्त। आप जानवर देखें? बिल्कुल जानवर देखते हैं, मैं तो वीडियोस में देख के इतना फैन हो गया उन जानवरों का कि सामने देख के ना, वो जो एक सिप्पी जो खड़ा है उसका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, ठाकुर है, उसको शुरू से देख रहा हूँ जब वो यहाँ कोई नूरी भी यहाँ नूरी भी है, नूरी का होना सामने खड़ा हुआ है सामने। इसने अभी मुझे यही बताया कि नूरी यही पैदा हुई है, का ऑनर जो है वो सामने आपके खड़े हैं। इनसे मिला हूं। चलो भाई इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, काफी लोग आ गए हैं, चलो मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रात हो गई है, अभी भी लोग आए हुए हैं, चल ही रहा है मामला। पुराने पड़ोसी भी आए हुए हैं, समीर भाई आया है भाई माशाल्लाह।
शरीफा बाद हमारा, और जहाँ से वैसे शौक शुरू हुआ, जिनके घर पे हम यूँ घुस घुस के देखते थे ना कि जानवर आया नहीं आया, एक महीना पहले तो भाई वो इनका घर था। हकीकत बात है, हमने इनके घर अपना शौक शौक पूरा किया। और हमारी नानी के जो पास यानी के ग्रिल पे इनके जानवर बनते थे और वहाँ से हम हाथ लगा रहे थे, हम भी मारते थे हमारा अपना जानवर। यार वाजपेयी जा रहे हैं भाई, वाजपेयी चल साढ़े छह हजार रूपए से कुर्बानी शुरू की थी, 6,500 रूपए में 14 मस्जिद के उसमें लगता था पहले से, ये तो मंडी होती नहीं थी, जो अपनी शोधा मस्जिद थी 10 नंबर वाली, इसमें 6,500 का पहला पिछड़ा लिया था, ऐसा लिया था कि देखने आए थे। इसको हाथ लगा रहा हूँ जरा, आशीर भाई ले ओ, यही तो मजा आएगा जब शरीफ आवाज तो कहीं भी अंदर आपको माल भी जाएगा। मैं तो तैयार हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको राजी कर लो, उस पर ले ले पैसे मुझसे, आप बोलो बोलो तो मैं तो कह रहा हूँ कैप्टन जो खड़ा कैप्टन का तो इरादा ही नहीं है, नहीं है ना डॉक्टर तारिक का, नहीं है राजा, वो चीज जाए ना तो मजा आएगा, शरीफ आबाद में कोई चीज आई ये भी इंशाल्लाह जाएगी अल्लाह के हुक्म से, अच्छा है माशाल्लाह। लेके आगे से लेकर घुमा के ले जाओ थोड़ा, शरीफाबाद के जो शौकीन है ना बल्कि आगे इर्द गिर्द के तक अब तो एक्टिव हो गए होंगे कल की वीडियो के बाद से। हाँ काफी कमेंट आया कि यार मिलके चले जाते हैं, कल की वीडियो बनाई देखते हैं यहाँ से कोई जाता है, दबंग को देख रहे हैं अभी, पठान दबंग बदामी अच्छा जी। तो भाई मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद है, काफी देर बाद टाइम मिला बात करने का, बारह मुजम्मिल कैसा लगा आके फार्म? भाई बहुत दिल खुश हुआ, वो तो हर बार होता ही है, लेकिन भाई माशाल्लाह ईद का तीसरा दिन जो है ना वो आप लोग के लिए भी मेरे हिसाब से मेमोरेबल बन गया, और जितने लोग जो है वो इन्होंने जाते यहाँ पे विजिट किया जिन लोगों ने उनके लिए भी मेरे ख्याल से बहुत मेमोरेबल रहा होगा, काफी शौकीन भी आया, काफी विजिटर्स भी आया, मीठी ईद पे बकरा ईद के मजा होता है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, होती है बच्चों की ये होती है लेजेंड्स। भाई हमने तो ईदी भी दी आज बच्चों को दी है, छोटे बच्चों को दिए, जितने बच्चे आए थे उनको ईदी दी है, वो जो है बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब जानवर के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, कैसे जा रहे हैं जानवर, आपने सारे जानवर रिव्यू करे, काफी दिन बाद आए, कैसा लग रहा है? नहीं यार ये बात अब गलत है, मैं अभी इवेंट में होकर गया हूँ रमजान में, काफी दिन बाद वाला जुमला सही है, जानवर माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग, वो मैंने जब इवेंट में देखे ना तो मतलब वो उसमें इवेंट में ऐसा था कि इवेंट में बातचीत नहीं हो पाई ना क्योंकि हम लोग भी इतने बिजी थे, बिल्कुल इवेंट में काफी टाइम बाद में आया था, तो सर्दियों का जो रिजल्ट था वो खुला था इवेंट में, तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन जा रहा है, सबसे बेहतरीन मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग लाल बादशाह ना रमजान आउटस्टैंडिंग लाल बादशाह की जो है ना वो प्रोग्रेस है, और क्या नाम है उसका, काला डब्बा जो है बहुत अच्छी, बाकी ओवरऑल सारे ही अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन जो है ना यार अल्लाह पाक का शुक्र है, और सबसे अच्छी बात ये कि आज आपका एक सौदा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसी बरकतें दे, ठीक है ऐसे ही कारवां चलता रहे इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआएं साथ हैं, दोस्त हैं सारे, दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा कारवां। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, वहाज भाई का मैंने कहा था मैं एंड में लूंगा क्योंकि वहाज भाई हम लोग दूसरे मसरूफियात में लग गए, वो चले गए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनको दावत दूंगा, वो दोबारा से आए और काफी दिन बाद आए थे, बेटी भी हुई है वो साथ में इस वजह से नहीं आए, लेकिन दोबारा से इंशाल्लाह मुलाकात होगी वहाज भाई से, मुजम्मिल भाई का शुक्रिया अदा करेंगे इंशाल्लाह, और वीडियो को यहीं इख्तिताम करेंगे क्योंकि काफी लंबी मुझे लगता है वीडियो हो गई है, तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, मुजम्मिल भाई सब्सक्राइब करने का कह रहा अच्छा सॉरी यार वो मैंने वैसे आपके चैनल का सब्सक्राइब करने के लिए ना किसी और की वीडियो में बोला, वो भी जाके देखिए और कैसे बोला वो भी देखिए, सैम एंटरटेनमेंट को लाजमी सब्सक्राइब करें, माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, सपोर्ट करें, और ये समझे कि मानी भाई मैं ये देख रहा होता हूँ इतना कंटेंट नहीं बना पा रहे होते जितना समीर अच्छे से बना के, बहुत एक लेंथी वीडियो आती है, बहुत प्रॉपर एक वीडियो आ रही होती है, तो लाजमी जो है ना सब्सक्राइब कर, ठीक है चलें भाई।